कोरोना के खिलाफ जंग की पहली शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लेकिन ये भीड़ लगी एक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर। जगह है राजधानी दिल्ली का राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप बताइए कि पहली डोज या दूसरी डोज लगवाने के लिए आप आए? दूसरी डोज के लिए। रजिस्ट्रेशन कर लिया था आपने? नहीं, सेकंड डोज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं है, पहला ही बताना होता है कि मेरा पहला टीका इस डेट में लग चुका है इस मोबाइल नंबर से। तो ये जानकारी ज्यादातर लोगों को नहीं है? ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं है, 50% 80% आदमी अनपढ़ है, उसे पता ही नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और यहाँ सेंटर पे कोई व्यवस्था बताने वाला नहीं है कि कौन लोग लाइन में लगे कौन लोग नहीं लगे। सुबह 8 बजे से आके लाइन में लग जाते हैं, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं है। सेकंड डोज लेने के लिए रजिस्टर करना जरूरी नहीं है, आप अपना मोबाइल नंबर बता सकते हैं और सेकंड डोज ले सकते हैं। जी बताइए, अलग से कोई मतलब सेकंड डोज वालों के लिए अलग से कोई लाइन नहीं है? ये कह रहे हैं कि सेकेंड डोज वालों को भी फर्स्ट डोज वालों के साथ क्लब कर दिया गया है। आइडली होना ये चाहिए कि जो सेकेंड डोज लेने के लिए आए हैं उनकी एक सेपरेट लाइन या कुछ बनाई जाए। हालांकि जब आज तक की टीम को इस वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन लगवाने आए तमाम लोग खुद को ही असुविधा गिना रहे थे, तभी उन्हें टोकन देने की भी पहल हुई। 45 वर्ष से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव को एक्सपैंड किया है सरकार ने, और थोड़ी बहुत चीजें हैं जो अभी भी अस्पतालों को स्ट्रीमलाइन करनी है, लेकिन ये देखिए साइड में यहाँ पर इन लोगों को टोकन दे दिए गए हैं और एक एक करके 10 लोगों का ग्रुप बनाकर इनको वैक्सीनेशन सेंटर ले जाया जा रहा है। 10 लोगों का ग्रुप इसलिए बन रहा है क्योंकि एक वायल में 10 डोजेस होती हैं, और क्योंकि अस्पतालों को इंश्योर करना है कि डोजेस वेस्ट ना हो। वैसे किसी एक वैक्सीनेशन सेंटर पर दिक्कतों का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पूरे देश का हाल यही है। कई जगहों पर वैक्सीनेशन की अच्छी व्यवस्था भी दिखी। हम मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद है। मुंबई महाराष्ट्र में कोविड केसेस की सेकेंड वेव है, उसी के साथ साथ वैक्सीनेशन का फेज 3 शुरू हुआ, यानी कि अगर आप 45 साल से ऊपर की उम्र के हैं तो आप वैक्सीनेशन ले सकते हैं। यहां पर हम ऑब्जर्वेशन एरिया में हैं, ये सभी लोग वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन ले चुके हैं, वैक्सीनेशन लेने के बाद ऑब्जर्वेशन एरिया में बैठे हैं। तो मुंबई में अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन को काफी अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। वैक्सीनेशन अभी जो गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटी दे के रखी हुई है, लेट अस यूज इट, और ऐसा मुझे लग नहीं रहा कि जो पैनिक सिचुएशन लोग क्रिएट करते हैं या ऐसा बोलते हैं कि टाइम लग रहा है या धक्का मुक्की हो रही है, इस टाइप का कुछ नहीं है। यू कम एंड इजीली हैव योर वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर ठीक ढंग से काम करें तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई मजबूत तो बनती है, लेकिन यहाँ एक नई चुनौती भी खड़ी हुई है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही लोगों में लापरवाही बढ़ी थी, और अब वैक्सीन आने के बाद से एक बड़ा तबका जैसे मानकर ये चलने लगा कि कोरोना का संकट मिट गया। सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम टूटने की घटनाएं कहीं खास बाजारों या खास इलाके या राज्य तक सीमित नहीं। कैसे खुल्लम खुल्ला कोविड नियमों और चेतावनियों का उल्लंघन हो रहा है, इसे सिर्फ यूपी के सहारनपुर से समझ लीजिए। 3 दिनों में ही बिना मास्क के सड़कों पर घूमने वाले 7,000 से ज्यादा लोगों के चालान कटे और उनके खिलाफ महामारी एक्ट में मुकदमे दर्ज करने पड़े। कोरोना के खिलाफ लापरवाही के एक नहीं अनेक उदाहरण रोज हमारे सामने आ रहे हैं, जबकि अभी भी वैसी ही सावधानी बरतने की जरूरत है जैसी एक साल पहले लॉकडाउन में बरती गई थी। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।